हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके हैं पब्लिक रिएक्शन और लास्ट एपिसोड और मेरे पास तुम हो का रिएक्शन। लाइक हम एक रिएक्शन का रिएक्शन लेके आ रहे हैं इस तरीके से। बट लेकिन मेरे पास तुम हो अभी हमने रिसेंटली किया था, वो ड्रामा का तो मतलब क्रेज अलग ही है। लोग हमें बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान का सबसे फेमस ड्रामा रह चुका है। एंड वो ड्रामा ऐसा था कि लाइक वो पहले नॉर्मली रिलीज हो रहा था, लेकिन उसका लास्ट एपिसोड तक इतना क्रेज बढ़ गया कि उसको थिएटर में रिलीज करना पड़ा। माय गॉड, ऐसा कब सुना है कि एक सीरियल का जो लास्ट एपिसोड हो वो थिएटर में रिलीज हो रहा है। इस तरीके से क्रेज बिल्ड हो गया था। और उसके बाद उसकी रिएक्शन वीडियोज जो है वो भी इतनी चल रही थी कि लाइक किस तरीके से लाइक, और यहाँ पे लिखा है हमें कहीं ना कहीं वो स्पॉइलर मिल गया कि पीपल क्राइंग ऑन डैनिश डेथ, मतलब वो इंडियन मर जाएंगे। तो ऐसा तो ये वैसे हमें घटिया स्पॉइलर मिला है, बिकॉज हमने था कि हमें वो ड्रामा देखना था आप लोगों के साथ। पर लेकिन हम फिर भी देखेंगे क्या होता है, कैसा होता है, बाकी ये क्या रिएक्शंस होती हैं, लोगों को क्या लगा है और किस तरीके से वो पूरा ड्रामा में उन्होंने फील किया, वो चीज़ देखने को मिलेगा। और मतलब जो हमने इसकी पहले स्टोरी देखी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, लिटरली मुझे तो बड़े मज़े आए थे। और मैंने जो जैसे जैसे बोला था मुझे नहीं पता वैसे वैसे हुआ है कि नहीं होना है, पर मुझे इतना तो पता है कि वो जो ड्रामा है वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोगों ने मतलब तोड़ फाड़ कर दी, मतलब लोग घुस गए, लोग इतना एक्साइटेड हो गए। और जो नॉर्मली लोग इतना एक्साइटेड नहीं होते स्पेशली किसी ड्रामा को लेकर, हाँ मूवीज़ को लेकर होते हैं, और अगर ड्रामा को लेकर हुए तो ऑब्वियसली इस ड्रामे में कुछ तो ऐसी बात होगी। तो और मुझे भी इसकी स्टोरी सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बाकी हम वैसे भी जो पाकिस्तानी ड्रामा है उसकी कोई ऐसे हम प्रिडिक्शन कर नहीं सकते इसमें क्या हो जाएगा आगे, किसी को नहीं पता। वही तो, ये बहुत ही सही लग रहा है। और देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या रिएक्शंस होती है लोगों की। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वो लोग हैं जो ड्रामा देखने के बाद सिनेमा से निकलने के बाद रो रहे हैं। ये रो रहे हैं दानिश के मरने पे। क्या रोल निभाता है ड्रामा लोगों की लाइफ में, देखो। बात कुछ नहीं होता, ड्रामे को ड्रामे की नजर से देखते हैं, उस लड़क को कुछ नहीं होता। माय गॉड, अब तो और देखने का मन कर रहा है। अरे तो मम्मी बोले कौन दानिश। नहीं अच्छा, मम्मी को पता होगा ना, इन दिनों सब देखते होंगे घर पे। तो बच्चा भी रो रहा हूँ। माय गॉड, मैं तो इनको देख के इमोशनल फील कर रहा हूँ, अंदर तो क्या ही होगा। इतना सा बच्चा यार। माय गॉड, तेरा क्या लगता था? माय गॉड, मेरे पास तुम लोगों को देखने वाली आवाम। ऐसे ड्रामा मैंने इंडिया में कोई नहीं देखा इतना। सारे सब के सब रो रहे, चार बैठे हैं, चारों के चारों रो रहे। ओए थिएटर की हालत देखो। अरे यार, न्यू ईयर होता है ना वैसा कुछ फील हो रहा है। कोई हो, बच्चा हो, बड़ा हो, लेडीज हो, जो हो, सबकी आंखों में आंसू। क्या बनाया होगा सोचो ड्रामा की, लोगों की मतलब रोक नहीं पा रहे हो। ओहो, क्या कर रही है?
बारिश मर गई। ओ माय गॉड, दानिश के मरने पे इतना ज्यादा दुख हो रहा है लोगों को और इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है। वो लाश वाला था, चल मजाक उड़ा रहा था, वो दिख रहा था, पर पहले वाले तो कैसे, मतलब परिवार के परिवार रो रहे। इतना ज्यादा क्रेज एक ड्रामा का होना, इंडिया में हमने ये बाहुबली में देखा हुआ, पर ऐसा रोते हुए नहीं था, पर हाँ क्रेज बहुत था कि लाइक बाहुबली 2 आने वाली, ये होने वाला है, कटप्पा का क्या होगा, लाइक बहुत ज्यादा क्रेज था। पर यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल क्रेज जैसा था कि जिस तरीके से लोग देखते ही रोने लग गए, एंड वो लास्ट पार्ट में कौन नहीं रोया ऐसा हो गया था। लाइक हमारे यहाँ भी मूवीज आती है बहुत सारी जिसमें आपको ऐसे इमोशनल फील आता है, बट ये कुछ अलग ही था कि लोग उसके बाद तक रो रहे हैं अलग अलग। कोई मतलब क्लब में बैठा हुआ है वहाँ रो रहा है, कोई कहीं घर पे बैठा है वो रो रहा है, कोई थिएटर में गया है तो वो रो रहे हैं। उस तरीके से लोग घर वालों को फ़ोन कर करके बता के रो रहे हैं, वो तो अजीब ही था। वो जिस तरीके से वो लड़की कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही क्रेज था। अब ऐसा हो गया कि लाइक कैसे एपिसोड ना देखा जाए, और ये देखना ही पड़ेगा कि क्या हुआ इसमें। और मेरे लिए सबसे इमोशनल और फनी बेसिकली बोल सकते हैं ये वाला पार्ट था जब वो लड़की रोई, और वैसे बेचारी मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका कोई शौहर होगा वो जो रो रही थी, दानिश मर गया। और इससे ये भी पता लगता है कि उनकी एक्टिंग स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। आप मतलब कि अगर आपको कोई रोल दे देता है एक्टिंग के लिए, अगर आप उसको मान लो मुझे कोई बहुत गंदा रोल दिया है और अगर मैं उसको प्रूव कर लेती हूँ, उसको अच्छे से एक्ट कर लेती हूँ और लोगों को मुझसे हेट हो जाती है, तो मतलब मैंने काम अच्छा करा, ठीक है। और उनका काम इतना अच्छा था कि उनकी काम की वजह से लोग रोने लग गए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें क्लियर होगा कि भाई उनकी एक्टिंग की तारीफ कर मतलब बहुत जितनी कर लो कम है, ठीक है। और रही बात इंडियन ड्रामा में, बेसिकली यहाँ के सीरियल्स में मुझे नहीं लगता कि लोग इतना रोते हैं, और ना ही इतना क्रेज है हम लोगों को सीरियल्स देखने का, स्पेशली यंगस्टर्स वगैरह को। हम लोग कोई नहीं देखता यहाँ के सीरियल्स, टू बी ऑनेस्ट। हाँ आंटीज वगैरह देखती है, और जो यहाँ की सीरियल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, अंकल देख रहे हैं, जवान आंटी सब देख रहे, और सब रो रहे हैं कि दानिश मर गया। और लास्ट वाला पार्ट, और उनका कनेक्ट बेसिकली पूरा इतना कनेक्ट हो गए थे शो के साथ कि उनको भी बुरा लगा कि यार दानिश मर गया है। और ऊपर से हमारे शोज में क्या होता है नॉर्मली है, सीजन्स नहीं होते लाइक, मतलब इस तरीके से एंड नहीं होता नॉर्मली। वो क्या होता है चलते जब तक सीरियल लोगों को पसंद आ रहा है चलता जाएगा, और जब पसंद आना खत्म हुआ वो बंद कर देंगे। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे नॉर्मली सीजन टाइप बनाते हैं, और उस तरीके से सीजन होगा फिर वो एपिसोड होंगे और फिर खत्म किया जाएगा, तो वो एक पैटर्न है। उस वजह से वो लास्ट एपिसोड वो बिग बैंग दिया उन्होंने, एंड उसके बाद लोग इस तरीके से उनका रिएक्शन आया। लाइक आप लोग हमें बताएगा आपका रियल रिएक्शन क्या था जब एक साल पहले ये आया था, और किस तरीके से आपने क्या फील किया, और आप लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग भी लास्ट एपिसोड आप लोगों के साथ देखें, और कैसा क्या फील करें कि नहीं। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।